रानी, तुम फिर से किताब सामने रखकर कान में मोबाइल लगाकर बैठी हो। कितनी बार बोले हैं तुमसे कि ऐसे वक्त बर्बाद मत किया करो। अभी बाबा जी से शिकायत करते हैं हम। अरे भैया, आप हमारी भी बात सुनेंगे या नहीं? क्या सुनो? हम मोबाइल में गाने नहीं बल्कि शिक्षकों के सुझाव और विचार सुन रहे हैं। अच्छा, तुम हमको उल्लू बना रही हो? अभी दिखाता हूँ। अरे भैया रुकिए, तो लीजिए आप भी सुनिए। नमस्कार, हम उच्च विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार बोल रहे हैं। गुरु मंत्र कार्यक्रम सुनने वाले सभी छात्रों को हम बताना चाहते हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा लिखने में अभी कम ही समय बचा है, और इस समय का सदुपयोग करने के लिए आप सभी एक रूटीन बनाएं, जहां दिन में आप कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई के लिए रखें। अरे ये तो सही में अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन ये सब कैसे, मतलब कहां बज रहा है? मोबाइल वाणी पर। अब ये मोबाइल वाणी क्या है? मोबाइल वाणी एक ऐसी निशुल्क सेवा है जहां दिन भर ऐसे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। शिक्षकों के साक्षात्कार, छात्रों के अनुभव और यहां तक हमारे स्कूल में हुए बाल संसद और मीना मंच की बातें भी होती हैं। अच्छा, तो ये बातें कौन रिकॉर्ड करता है और कैसे? मोबाइल वाणी के निशुल्क नंबर पर मिस्ड कॉल देके कोई भी छात्र और छात्रा, शिक्षक, युवा, युवती इसमें अपने विचार या अनुभव भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाकियों द्वारा रिकॉर्ड कराए संदेश भी सुन सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने समुदाय से जुड़ी बातें भी मोबाइल वाणी सुनने के दौरान 3 नंबर दबाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्या हम भी इसमें सारी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, और बस यही नहीं, यहाँ किसी के भी सुझाव या विचार का साक्षात्कार रिकॉर्ड करके मोबाइल वाणी के श्रोताओं को सुनाकर हम बाल रिपोर्टर भी बन सकते हैं। अच्छा? हाँ, इच्छुक छात्रों को मोबाइल वाणी के साथ ही रिपोर्टिंग करने के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। ये तो बड़े कमाल की चीज है रानी, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो बता रही हूँ ना। चलिए हम दोनों पिताजी और माँ को भी इसके बारे में बताते हैं। चलो चलो, बस उन्हें क्यों, हम तो इसके बारे में पड़ोस की चाची और चाचा को भी बताएंगे।